तेरे को वो चाहिए क्या नहीं चाहिए? चाहिए भाई, चाहिए तो बाबा झुकना पड़ेगा। ओ भाई राव साहब के बाड़ा के घर वाले इनके अलावा किसी के पैर में न गिरे करे, ठीक है यार, खासकर छोरी का तो कति भी ना। सो हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू ब्लॉग। तो आज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज है बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले, फाइनल है, जिसमें कि पांच लोग गए हैं अभी, अभिषेक, एलविश यादव, मनीषा, पूजा और बेबिका, ये पांच लोग गए हैं। तो आज फाइनल होने वाला, तो जल्दी मैं ऑफिस से हाफ डे की छुट्टी लेके आ गया। अभी 8:30 बज रहे हैं, 9 बजे से चालू होने वाला, तो जल्दी से मैं अब लैपटॉप को चालू करूँ। लैपटॉप मैंने ऑन कर लिया क्योंकि लैपटॉप में स्क्रीन ओपन कर लेंगे। विकास अपने काम पर गए हैं, तो विकास अब कल आएगा 8 बजे, तब तक मैं अपना सारा स्क्रीन वगैरह चालू कर लेता हूँ। जल्दी जल्दी मैं आया कि हाँ कहीं 9 बज जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और शायद वोटिंग वगैरह के लिए भी कुछ चेंजेस कर दिया गया कि वोटिंग शायद लाइव होगी। जब दो लोग होते हैं ना, सलमान खान दोनों का हाथ पकड़ते हैं, तो उस टाइम पर लाइव वोटिंग होगी। लाइव वोटिंग के मुकाबले में चेक किया जाएगा कि कौन भी पोस्ट जीतेगा। तो चलो फाइनली अब खाने पर थोड़ा सा मैं ड्रेस चेंज कर ले रहा हूँ, खाने पीने का कुछ जुगाड़ कर लेता हूँ और जल्दी से अपने लैपटॉप में स्क्रीन पर लगाता हूँ और आप लोग को देखता हूँ। मेरा जो वोट रहेगा वो तो एलविश यादव के लिए है, भगवान करे एलविश यादव के लिए मेरा वोट जा रहा है, तो वो जीतना चाहे तो जीत जाए, लाइव वोटिंग में भी मैं उनको वोट दूंगा। तो सबसे पहले लैपटॉप में स्क्रीन ओपन करने देता हूँ और खाने पीने की भी कुछ तैयारी कर लेता हूँ, फिर नहीं तो 10-11 बज जाएगा क्योंकि 11 बजे तक शायद चलेगा, तो खाना पीना बनाना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लैपटॉप में बस जियो सिनेमा ओपन कर लेता हूँ। अब शायद मैं थोड़ा बाहर चले गया था तो इस वजह से अभी टाइम देखो ज़्यादा हो गया, 9:35 हो गए। इसी बात का डर था कि लेट हो जाएगा ग्रैंड फिनाले। वॉच क्लिक करते हैं, अब चालू करते हैं आज का ग्रैंड फिनाले। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और काफ़ी, मतलब यूट्यूब कम्युनिटी जितना भी है, यूट्यूब के, इंस्टाग्राम के लोग, ये जितने भी सोशल मीडिया के लोग हैं, सारे आज के दिन के लिए एक्साइटेड है क्योंकि हमारे नंबर टू पे, मतलब हो गया था कि नंबर टू पे कौन जाएगा, या तो फुकरा इंसान और एलविश यादव, ये दोनों ही जाएंगे। तो अब लास्ट देखते हैं, जब 10 बजे का मतलब होता है कि फाइनल वोटिंग शुरू हो जाएगी दोबारा से, तो एक बार पहले इसे चालू कर लेता हूँ। ये ऑन हो गया बिग बॉस, मैंने ऑन किया तो अभी स्टार्टिंग हो रहा है। खाना थोड़ा सा देर से बनाऊंगा क्योंकि अभी चालू हो गया, मैं लेट हो गया आने में, और वैसे भी विकास गया था तो थोड़ा सा सब्जी छोड़ गया, पनीर की सब्जी है मेरे को, बस चावल थोड़ा सा मेरे को लगता है दोबारा बनाना पड़ेगा, तो चावल दोबारा बना लूँगा। मैं फाइनल तक भी और पहुँचते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि आज के दिन के लिए, इतने दिनों से देख रहे थे, आज देख लेते हैं क्या होगा। उसके बाद कल से तो डेली जो नॉर्मल रूटीन रहता है वो हमारा डेली रूटीन ही रहेगा। चलो वॉच कर लेते हैं, अभी तो थोड़ा ब्रेक आया है, ऐड आया है। बहुत अच्छा, पूजा जी अब बाहर आ गई है, तो चलो एक चांसेस तो बन गया कम से कम कि पूजा जी नहीं जीतेगी। एलविश 100% अपना ट्रॉफी बिना सोचे अभिषेक को दे देता, अभिषेक एलविश को नहीं देता। तो पूजा जी बाहर हो गई, अब चार लोग बचे हैं, अभिषेक, एलविश, बेबिका और मनीषा। तो अब जहाँ तक चांसेस है कि बेबिका निकल जाएगी क्योंकि बेबिका को कम वोट मिलेंगे, टॉप थ्री में जाएंगे, एलविश जाएगा, अभिषेक जाएगा, मनीषा जाएगा और मनीषा जाएगी। और टॉप टू में जब जाएगा ना, उस समय मजा आएगा। तो अभी मैंने खाना पीना खा लिया, चावल बना लिया और पनीर की सब्ज़ी थी जो कि दिन की थी वो भी मैंने खा लिया। बस लैपटॉप चार्ज कर लूँ, चार्ज करके और मस्त है। देखते हैं कि कौन जीतेगा, बहुत दिनों से हवा उड़ी है कि ये जीतेंगे वो जीतेंगे, मतलब इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन तो किसी को एग्ज़ाम देने पर नहीं होता जितना ज़्यादा कन्फ्यूजन ये बिग बॉस के ऊपर हो गया कि दोनों में से कौन फाइनलिस्ट बनेंगे। इस टॉपिक पर मेन बात छिड़ी हुई है कि या तो फुकरा जीतेगा या एलवी जीतेगा, फुकरा जीतेगा एलवी जीतेगा। ट्विटर मतलब रोज ट्रेंडिंग अगर खोलोगे तो ट्विटर पे यही ट्रेंडिंग है कि बिग बॉस ओटीटी का विनर कौन बनेगा, लेकिन ऐसा एपिसोड होना चाहिए। तो इस बार के बिग बॉस को देखने में मज़ा आया कि हाँ कुछ मतलब हवा बना हुआ है कि हाँ ये माहौल अच्छा है कि हाँ इस बार बिग बॉस कौन जीतेगा वो सही है। हर बार का बिग बॉस में मतलब लास्ट में मेरे को उतना देखने का मन नहीं करता था और 3-4 एपिसोड से मैं देखता भी नहीं हूँ। गौतम गुलाटी का लास्ट एपिसोड देखा था, उसके बाद से उतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता, और जब से ये आया था ना तब से इसको देखना फॉलो किया कि हाँ इसमें अपने यूट्यूबर भाई लोग आए हैं तो कम से कम इसको देखते हैं इसको कौन बनेगा। और लास्ट जब वाइल्ड कार्ड की एंट्री हुई तब से तो और ज़्यादा मज़ा आ गया, और विकास भी वहाँ पर देख रहा होगा जहाँ पर ऑफिस में। अब देखते हैं कौन जीतता है, तो आइए शुरू करते हैं। 3 बेबिका जाएगी 2 बेबिका का फादर है ना इनका, वो ये कि मैंने अपने गुस्से पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करा, काफ़ी कुछ सीखा मैंने कि पेशेंस और एक्सेप्टेंस क्या होती है। जैसे सलमान भाई ने बोला, जो मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी बीच में, उसको मैंने एक्सेप्ट करा, सीखा। और जब थोड़ी देर बाद ही मेरी मदर के साथ वीडियो कॉल हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। ये इमोशनल मोमेंट है, मुझे ऐसा लगा कि एक ये पार्ट भी है मेरा जो पब्लिक देखेगी, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा सोचता था कि मैं हमेशा बाहर बहुत मर्द हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा रोता नहीं हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बट
वो चीज आईना दिखा मुझे कि मैं अंदर से काफी ज्यादा वीक भी हूँ और बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ से सीखी, तो वो था मेरा मेन हाईलाइट। जल्दी जीतोगे। तो भाई लोग वोटिंग दोबारा से ओपन हो गई है, अभी लाइट मैंने बंद कर दी, लाइट ऑन कर दी। हाँ, अभी वोटिंग दोबारा से ओपन हो गई है, वोटिंग ओपन हो गई है। अब दोबारा 15 मिनट का टाइम है या आधे घंटे का टाइम है, जल्दी जल्दी हमें वोट करना है। और बिग बॉस में एलविश यादव फुकरे इंसान को वोट करना है, इन दोनों में से कोई एक विनर बनेगा। तो जल्दी से अब वोटिंग कर लेते हो तो वीडियो मेरे को कॉल आएगा। अब मैं जल्दी से वीडियो बंद करता हूँ, लैपटॉप में ऑन किया, और जल्दी जल्दी से वोट कर लो जिसे भी आप जिताना चाहता हूँ। मेरा वोट जो है एलविश यादव को, तो जल्दी जल्दी से मैं वोट कर लेता हूँ भाई को। कम से कम अनलिमिटेड टाइम आप वोट कर दो, जितने वोट कर सकते हो। यहाँ पे शो हो रहा ना कि 15 मिनट्स के लिए यहाँ पे बिग बॉस ओटीटी का सीजन फिर से जियो सिने में, जल्दी जल्दी जाकर वोट कर सकते हो। ये गलत किया, इतना जल्दी तो कैसे पता चलेगा। जो नॉर्मल था वो था 15 मिनट के लिए टाइम है, देखो 15 मिनट टाइम है, 15 मिनट में आप जितने वोट कर सकते हैं जल्दी जल्दी कर सकते हैं। मनीषा रानी ये बाहर आ गई है, तो अभी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है क्योंकि 15 मिनट के लिए वोटिंग चालू की गई, तो 15 मिनट में अब कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये बताना तो बहुत मुश्किल है। 7 मिनट खाली बचे हुए हैं, 7 मिनट में अब जिसको जितने ज़्यादा वोट मिलेंगे, पहले के वोट काउंट होंगे नहीं होंगे ये कुछ पता नहीं। और क्योंकि पहले के अगर वोट काउंट होते तो एल्विस भाई तो विनर थे ही, लेकिन अभी विनर कौन होगा ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। दोनों जीते, दोनों में से कोई भी जीतता है तो हमारे लिए विनर है, क्योंकि दोनों यूट्यूब कम्युनिटी से है। और मैं अंधेरे में बैठ के देख रहा हूँ क्योंकि लैपटॉप देखने में सही है, लाइट ऑन नहीं कर रहा हूँ, तो थोड़ा देखो देख भी किस तरह हूँ ये ऑन करके टॉर्च मार के हल्का सा। ओटीटी के इस सफर को देखकर अब अच्छी तरह समझ भी आ गया, ये स्टार्टिंग से ये दोनों का सपना देख रहे थे कि ये दोनों कब खड़े होंगे। पूरी लड़ाई इतनी ज्यादातर इसी वजह से हो रही थी कि ये दोनों कब फाइनल में खड़े होते, क्या लग रहा है। ये दोनों कैप्चर कर लो, जितनी ज्यादा रील्स बनेगी ना इस पे। मैं यहीं पे विनर मानता हूँ, यहाँ दो बस खत्म कर दो, बिग बॉस बंद कर दो, लड़ाई बंद हो जाएगी, यहीं बंद कर दो, यहीं बंद कर दो, बिग बॉस प्लीज बंद कर दो। यस मोमेंट, तो जनता आपका फैसला हमारे पास, बिग बॉस जिताओ। आपके पहले चिल्लाना नहीं चाहता क्योंकि सब सो रहे हैं, और अभी 15 मिनटों में अच्छा दोनों वोट्स काउंट होंगे। वोट्स आपने दिए हैं, यस, ये करोड़ों लाइव वोट्स को मिलाकर वो तेरी रिजल्ट दक हमारे दक पास आ चुका है। दक दक बेस्ट ऑफ लक गाइस, बेस्ट ऑफ लक, आ जाओ यार, बेस्ट मैन विन। बिग बॉस जल्दी बताओ यार, वही जीतेगा, जल्दी बताओ। इस देश की आवाम ने क्या डिसाइड किया है बिग बॉस ओटीटी के लिए? भाई फुकरा भाई, एल्विस भाई फुकरा भाई, मैं चिल्लाऊंगा नहीं, सोर समझ जाना, मेरे अंदर है, हमें पता चल गए हैं। यस, एंड विनर गोज टू आर, द विनर इज यार, सीरियसली यार, दग दग हो रहा, चली रहा अंदर, चली रहा, चलो यार। एंड द विनर, हे भगवान, बिग बॉस ओटीटी इज एलविश यादव। अभिषेक क्या लगता है आपको? वो तेरी पूरी तेरी यार, क्या लगता है आपको यार? सलमान भाई यार, ये काम मत करो सलमान भाई, दोबारा से यार, सलमान भाई। अबे यार क्या कहा था आपने, वाइल्ड कार्ड कभी नहीं जीतेगा, जीत जाएगा, जीत जाएगा अभिषेक, और वाइल्ड कार्ड के बारे में क्या कहा था? चलो, एंड द विनर इज
एलविश, क्या आपको लगता है अभी यार कि इन्होंने शिट मैन यार क्या कर रहे हैं सलमान भाई भाईजान करो यार हार्ट बीट बढ़ जाएगी यार अभी मैं बता नहीं सकता तुम लोगों की मेरे मतलब हार्ट बीट का क्या हालत हुई है अबे यार ये मेरे हिसाब से था उसे की मम्मी रोने लगी यार दिल है दिल है यार मेरा पकड़ो घबराहट है दिल यार ये मूवमेंट इंडिया के अंदर मतलब अभी सभी लोग वॉच करेंगे एलविश या तो देखो किसे खोज रहे अबे भाई सलमान भाई मजे ले रहे हैं यार हार्ट बीट बड़ी जनता जनता की हालत खराब है ध्यान कर दे तो मुझे यार हाँ जनता जनता क्या चाहते हैं आप जी इनके इतने वोट इनके इतने वोट इनके इतने वोट अच्छा ये है विनर समझ में आया है जीतो विनर कौन है जनता के मुताबिक द विनर अभिषेक इज एलविश जीत गया एलविश यादव जीत गया यार हार्ट बीट बढ़ गया था हार्ट बीट यार मिलता है 25 लाख का प्राइस मनी इसके पैसे नहीं चाहिए भाई मेरे हाथ में और मैं देना चाहूँ तो मैं अभिषेक को जरूर दूंगा तो मेरे भाई ये और मनीषा का भी बोला था मनीषा प्लीज रहना है तो सिस्टम के नीचे रहना होगा भारत माता की जय देखो भाई अपने बिग बॉस को एलविस भाई जीत गया है और किसी को कोई भी सब विनर था मैंने तो वहीं पे बोल दिया था कि हमारे दोनों भाई विनर हैं अभिषेक भाई भी और एलविस भाई भी पर एलविस भाई थोड़ा सा ज़्यादा है दिल से कनेक्टेड है क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा मानते भी हैं और वीडियो भी देखते हैं तो अभी एलविस भाई का विनर मतलब सलमान भाई ने तो मतलब धक धक कर दिया मेरा मतलब हार्ट बीट जो बढ़ा था ना मतलब मैं बता नहीं सकता कि आप लोग कितना ज़्यादा हार्ट बीट मेरा बढ़ गया था फाइनली हमारे एलविस भाई ट्रॉफी को लेके अब आएंगे गुड़गांव और गुड़गांव में आएगा 1001 गाड़ियाँ एलविस भाई को लेने के लिए जाएगी तो रहना है तो सिस्टम के नीचे रहना होगा तो विनर हैं काफ़ी ज़्यादा मतलब दिल से सपोर्ट है दोनों अपने यूट्यूबर भाई कोई भी जीते जैसे एलविश भाई जीत गए थैंक यू सो मच जिनने वोट किया मेरा भी एक वोट एलविश भाई याद रखना मेरा भी एक वोट आपके लिए था ठीक है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा टाइम रहेगी कभी भी आपसे मिलूँ लाइफ में कभी भी आगे हो सके मिलना कि आपसे मिल पाऊँ ना मिल पाऊँ मुझे पता नहीं लेकिन मेरा एक वोट आपके लिए था ये याद रखना आप और मेरा धीरे बोलने का कारण ये भी है कि रात के 11 बज रहे और यहाँ पे सब सो गए अब ज़्यादा मैं चिल्लाऊंगा तो सब बोलेंगे कि साला अकेले बिग बॉस देखता है तो इस वजह से मैं ज़्यादा शोर नहीं मचा रहा हूँ तो इस वजह से आवाज़ थोड़ी सी स्लो आएगी बहुत लोग कमेंट करते हैं कि भाई आपकी आवाज़ थोड़ी सी वीडियो में स्लो आ रही है मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी लोग भी सो रहे हैं ना मैं देखता हूँ बिग बॉस वो नहीं देखते हैं तो इस वजह से वो भी अपने मोबाइल में देख रहे होंगे मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर देख रहा हूँ क्योंकि फ़ैन है बिग बॉस के फाइनली भाई लोग सुबह हो गई है और कल बिग बॉस फिनाले था वो जो कि ख़त्म हो गया और हमारे एलविश भाई जीत गए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था उनको और दिल से प्यार फुकरा भाई के लिए मतलब फुकरा भाई नंबर वन से डे वन से स्टार्टिंग से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे बिग बॉस में और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अच्छा गेम खेला अगर गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से माने तो एलविश भाई और फुकरा भाई दोनों ने अच्छा खेला और एलविश भाई तो दिल ने जीत लिया और गेम के हिसाब से अगर देखा जाए तो फुकरा भाई बहुत ही अच्छा खेले बहुत ही मतलब दिल से सपोर्टिव उनकी वीडियोज़ जो आएगी या जो भी वो कंटेंट बनाते हैं उसको दिल से आपको भर भर के प्यार देना है उनको मतलब बता देना है कि हाँ आप रियल में आप भी हमारे लिए विनर हो दोनों लोग विनर मैंने तो वहीं बोल दिया था जब दोनों लोगों को सलमान खान ने हाथ पकड़ा था इस मोमेंट पर ही हमारे दोनों विनर घोषित हो जाते हैं बिग बॉस आगे मत बढ़ाओ तो इस वजह से हमारे दोनों भाई लोग विनर हैं दोनों को दिल से सपोर्ट करना दिल से प्यार करना और आज इंडिपेंडेंस डे है तो सबको इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद तो जाओ पतंग उड़ाओ झंडे फहराओ तो अभी मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ विकास अभी आया जाके नहाता हूँ फिर कहीं बाहर देखते हैं दिल्ली अगर जाने का प्रोग्राम हो तो चलते हैं चलो सिस्टम हैंग हो गया और बिग बॉस जीत गया एलविश भाई